यूनिवर्स का ज़रूरी संदेश। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बातें बताने वाला हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनना। ये पांच बातें सुनने में कड़वी हैं लेकिन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है। शास्त्रों में इसे सबसे श्रापित युग बताया गया है। जैसे जैसे ये अपने चरम पर पहुँचेगा, धर्म का नाश होने लगेगा और जब अधर्म सीमा से अधिक बढ़ जाएगा तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। आज से हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने कलयुग की कुछ कड़वी सच्चाई बताई थी जो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये बात है महाभारत के समय की। महाभारत जो कि केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव कल्याण का ग्रंथ है, इसमें एक प्रसंग है जिसमें पांडवों ने श्री कृष्ण से एक सवाल किया कि हे कृष्ण, द्वापर युग तो समाप्ति की ओर है, अब कलयुग आने वाला है, तो कृपा करके हमें ये बताएं कि कलयुग की क्या गति होगी और उस युग के मनुष्य कैसे होंगे। इस पर श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि ये द्वापर युग की बात थी और अब कलयुग चल रहा है। लेकिन ये सभी बातें जो आज के समय में बिल्कुल सच हैं पहले ही श्री कृष्ण के द्वारा बता दी गई थी। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि पहले तुम पांचों जंगल में जाओ और उसके बाद पूरे दिन में तुम्हें कौन सी घटना सबसे अजीब लगी इसका पता लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कलयुग के बारे में बताऊंगा। शाम को जब पांचों पांडव वापस आते हैं तो वो घटी हुई घटनाओं के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर बताते हैं, हे कृष्ण, मैंने जंगल में दो सूंड वाला हाथी देखा, इसका क्या अर्थ है? तो श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ है कलयुग में जो लोग होंगे वो दोगले होंगे, सामने कुछ और होंगे और पीठ पीछे कुछ और होंगे। ऐसे मनुष्य अपने फायदे के लिए बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उसके बाद अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने जंगल में देखा कि कुछ पक्षी जो कि एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहे थे और उनके पंखों पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई थीं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका ये अर्थ है कि जो ज्ञानी लोग होंगे, ध्यानी लोग होंगे, उनका आचरण कलयुग में राक्षसी होगा। वो अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन के लोभ के लिए अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने जंगल में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इस कदर चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इसका अर्थ जब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में जो माँ होंगी वो अपने बच्चों को अपनी ममता से इतना बिगाड़ देंगी कि उनके अच्छे और बुरे का भी ध्यान नहीं रखेंगी। उनके बच्चे बुरी संगत में पड़ जाएंगे और संस्कार भूल जाएंगे। उसके बाद नकुल ने बताया कि उसने जंगल में पांच कुएं देखे, जिसमें कि चार कुएं छोटे थे और एक कुआं सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा वाला कुआं खाली था और बाकी भरे हुए थे। इसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी लोग स्वार्थी होंगे, वो किसी की मदद नहीं करेंगे, देखने में उनके घर बड़े होंगे और वो समाज में काफ़ी ऊंचे पद पर होंगे, लेकिन उनके आसपास जो छोटे या गरीब लोग होंगे वो कभी भी उनकी मदद नहीं करेंगे। तो इस तरह से उनका घर भरा हुआ होते भी उनके संस्कार खाली होंगे। उसके बाद सहदेव की बारी आई। सहदेव ने श्री कृष्ण को बताया कि उसने पहाड़ पर से एक पत्थर को गिरते हुए देखा जिसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया और साथ जो भी छोटे छोटे पत्थर थे उनको भी गिरा दिया, लेकिन एक छोटे पौधे के पास आकर वह विशाल पत्थर रुक गया। इसका क्या अर्थ है?
इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका ये अर्थ है कि कलयुग में स्वार्थ, झूठ, कपट सब कुछ होगा, लेकिन अगर हरि भजन के नाम का एक छोटा पौधा जिसके भी मन में होगा उसके सामने बड़े बड़े पत्थर भी रुक जाएंगे। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने कलयुग की ये 5 कड़वी बातें पांडवों को बताईं। सुनने में ये बातें कड़वी हैं परंतु सच हैं। तो जो मनुष्य इन 5 बुराइयों से बचेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें आज की बातों से अवश्य ही कुछ सीखने को मिला होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।